अमेरिका का एक सीरियल किलर जिसने 40 सालों में करीब 93 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिए और पुलिस को कोई सबूत तक नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ दुनिया वाइसो के क्राइम सीरीज के इस नए एपिसोड में। यूं तो इस दुनिया में कई खतरनाक किलर हुए हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज इस वीडियो में हम जिस सीरियल किलर की बात करेंगे, इसके बारे में यह दावा किया गया है कि अमेरिका के इतिहास के सबसे खूंखार सीरियल किलर में से एक है। इसका नाम है सैमुअल लिटिल। सैमुअल लिटिल ने बीते 40 सालों में करीब 93 महिलाओं को मौत के घाट उतारा। सैमुअल का जन्म 1940 में अटलांटा में हुआ था। जन्म के समय के कुछ समय बाद ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, जो कि एक वैश्या थी। इसके बाद सैमुअल की परवरिश उसके दादी ने की थी। उसकी शुरुआती शिक्षा हॉथरोन जूनियर हाई स्कूल में हुई थी, लेकिन पढ़ाई में वह अच्छा नहीं था। इसी वजह से क्लास में वो सबसे अलग थलग ही रहता था। पुलिस की पूछताछ के दौरान सैमुअल ने पुलिस को बताया कि वह जब 7-8 साल का था तब उसे पहली बार किसी का गला दबाने की इच्छा हुई थी और उसने एक बच्चे के रूप में ही महिलाओं का गला घोटने के बारे में यौन कल्पनाएं करना शुरू कर दिया था। एक बार तो अपने किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षिका को अपना गला छूते देख उसे उसका भी गला दबाने का मन हुआ था। किशोर के रूप में वह सच्ची आपराधिक घटनाएं वाली पत्रिकाएं इकट्ठी करता था जिनमें महिलाओं का दम घोटने का चित्रण किया गया हो, और इन्हीं तस्वीरों से उसे कत्ल करने की प्रेरणा भी मिलती थी। सैमुअल लिटिल को जब पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तब उसने 93 महिलाओं की हत्या की बात कबूली। पुलिस और दुनिया के लिए यह एक हैरानी वाली बात इसलिए भी थी क्योंकि इतने सालों तक यह अपराधी अपराध करके भी पुलिस की गिरफ्त से इतनी दूर आखिरकार कैसे थे। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश और आगे बढ़ाई तो कुछ शॉकिंग फैक्ट्स निकल कर सामने आए, जैसे कि सैमुअल ने अधिकतर ब्लैक वुमन्स को ही अपना शिकार बनाया था। अभी तक की गई जांच में पता चला है कि सैमुअल लिटिल ने जिन महिलाओं की हत्या की उनमें से 68 तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वुमेन ही थी। पुलिस का कहना है कि अधिकतर मामले तो सैमुअल लिटिल द्वारा अपना जुर्म कबूल करने के बाद ही सुलझ पाए हैं। साथ ही हत्या के अन्य मामलों में सैमुअल लिटिल के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर 40 साल तक सैमुअल पुलिस की पहुंच से दूर कैसे रहा। सैमुअल ने साल 1970 में पहली बार हत्या जैसे जघन्य अपराध किया था, लेकिन उसके बाद वह कई महिलाओं की हत्या करने के बावजूद 40 साल तक पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी की पकड़ में ही नहीं आ सका, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। पुलिस ने बताया कि इतनी हत्या करने के बाद भी पुलिस उसे इसलिए नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि सैमुअल ने जिन महिलाओं की हत्या की उनमें से अधिकतर वो महिलाएं थीं जो समाज के लिए ज़्यादा अहम नहीं थीं। ये महिलाएं जैसे ड्रग एडिक्ट महिलाएं, सेक्स वर्कर, बेघर महिलाएं थीं। यही वजह रही इतनी हत्याएं होने के बाद भी कोई ज़्यादा बड़ा हंगामा नहीं हुआ और सैमुअल पकड़ में नहीं आ सका। इतने सालों में कई बार लिटिल जेल गया और बाहर आया। हर पूछताछ के दौरान वह हत्याओं से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 700 घंटे की पूछताछ के बाद लिटिल ने कई हत्याओं के बारे में जानकारी दी, जिसकी जानकारी अब तक केवल इस खूंखार हत्यारे को ही थी। सैमुअल एक प्रतिस्पर्धी मुक्केबाज रह चुका था। पूछताछ में उसने बताया कि वह महिलाओं को पहले घूंसे मार मार कर बेजान कर देता था और फिर उनका गला दबा देता था। पीड़ित के शरीर पर कोई चाकू या गोली जैसे घाव नहीं होता था और ये पता लगाना मुश्किल होता था कि उनकी हत्या हुई है। कई मामलों में तो समझ लिया गया कि पीड़ित की मौत नशे के ओवरडोज या फिर दुर्घटना की वजह से हुई है। सैमुअल एक आर्टिस्ट भी था। उसने जिन लोगों का शिकार किया था उनकी तस्वीर बनाकर उसने पुलिस को दिए और उनका नाम भी बताया। साथ ही उसने यह भी बताया कि किस साल में और कहाँ पर हत्या की थी और यहाँ तक कि शव को कहाँ फेंका था, यह भी उसने पुलिस को बताया। लिटिल ने अपनी मौत से पहले तक वर्ष 1970 से 2005 के बीच 93 लोगों की हत्या करने को स्वीकार किया और उसने ज़्यादातर हत्याएं फ्लोरिडा और दक्षिणी कैलिफोर्निया में ही की थी। इन हत्याओं की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 60 हत्याओं को सही पाया है और सैमुअल की अन्य हत्याओं पर भी उन्हें संदेह नहीं है। एक जाँच अधिकारी ने बताया कि सैमुअल ने जो कुछ भी बताया है वो कभी गलत साबित नहीं हुआ। सैमुअल की हत्याओं के सामने अमेरिका के अन्य हत्यारे बौने साबित हुए।
सैमुअल ने जिन लोगों की हत्या की उनमें लगभग सभी महिलाएं थीं, उनमें से ज़्यादा वैश्या, नशेड़ी या गरीब घर की थीं। और शायद यही बड़ी वजह रही कि सैमुअल अब तक पुलिस से बचता रहा। सैमुअल जब 80 साल का हो चुका था तब उसे पुलिस ने साल 2014 में गिरफ्तार किया। सैमुअल कैलिफोर्निया के जेल में लाया गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों की जांच में अभी तक 50 लोगों की हत्या सैमुअल लिटिल द्वारा किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अन्य मामलों में अभी भी जांच चल रही है। सैमुअल हत्या के कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्ष 2014 से ही जेल में बंद था। बीमार होने के बाद उसे कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ 2020 में उसकी मौत हो गई। और इस तरह से इस खूंखार कातिल की भी कहानी यहीं समाप्त हुई। तो दोस्तों, सैमुअल लिटिल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।